पितृ पक्ष मेले की लगभग आज जो है वो चौथा दिन है और अभी हम मौजूद हैं गया के टेंट सिटी में। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि टेंट सिटी में पितृपक्ष के लिए आ रहे हैं जो भी पितृपक्ष मेले में जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए उनके आवासन के लिए यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की गई है और ये राज्य सरकार के पहल से ही जो है वो टेंट सिटी का आयोजन किया गया है जिसमें तीर्थयात्री जो है विश्राम करते हैं। चलिए हम आपको उस तस्वीर को दिखाएंगे जहाँ पर तीर्थयात्री जो है विश्राम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर तीर्थयात्री में जो व्यवस्था मिल रही है उससे तीर्थयात्री कितने संतुष्ट हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि गया जी में जो पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है उसमें लगभग देश विदेश से लोग आते हैं और इस बार 10 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों की आने के अनुमान है। देखिए राज्य सरकार के द्वारा ये जो टेंट सिटी का आयोजन किया गया है इस तस्वीर को थोड़ा एक बार गौर से देख लेंगे। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह का व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं और लोग जो हैं सभी अपने अपने जब पितृ पूजा का अर्चना कर जब वापस आएंगे तो यहाँ पे लोग जो हैं वो विश्राम करेंगे। ये राज्य सरकार की पहल से यहाँ पे टेंट सिटी का आयोजन किया गया था। लोग विश्राम करेंगे यहाँ पे आके। आपको बता दें कि टेंट सिटी में खुद कल बिहार के कृषि मंत्री कुमार सरोजी जी निरीक्षण करने आए थे जहाँ कई देश विदेश से आए लोगों से बातचीत करा, कई लोगों ने जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दिया। वहीं हैदराबाद से आई एक महिला जो है वो लगातार पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद दे रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही थी, गया की प्रशासन को भी धन्यवाद दे रही थी। तो ये व्यवस्था है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो आराम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं आप? खंडवा तहसील हरसूद, एमपी से आए हैं। एमपी से जी। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। नितेश जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। क्या बात है। जी जी जी, बहुत अच्छी। बहुत। क्या नाम हुआ आपका? वैशाली श्रीवास्तव। क्या करते हो आप? ग्रेजुएशन से। मेरा मेरी स्टडी स्टडी। ये बताओ कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहोगे बिहार के मुख्यमंत्री को? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये यहाँ के गया के जिलाधिकारी जो हैं डीएम है लगातार 3 महीने से इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, अब जो व्यवस्था आपको है वो कैसा लग रहा है? व्यवस्था में कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया है। लेट बाथ वगैरह ऑलमोस्ट, साफ सफाई बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे जानकारी मिली आपको कि यहाँ टेंट सिटी बनाया गया? पता चला वहीं से। अच्छा, यहाँ फ्री में रहने की व्यवस्था की गई है? हाँ। खाना पीना कैसा लग रहा है? खाना पीना भी बहुत बढ़िया है। कल कब से आप यहाँ रह रही हैं? कल सुबह है ना, मॉर्निंग में। जैसा कि जानकारी कई न्यूज चैनल पर चल रहा था, कल यहाँ पे एक आईएएस महिला खुद से खाना परोस रही थी, शायद आप लोगों ने केयर नहीं किया। यहाँ खाना परोसने के लिए खुद आईएएस जो है अधिकारी नगर आयुक्त जो है वो मौजूद होते हैं कभी कभी। तो कैसा व्यवस्था लग रहा है? कल की जानकारी तो नहीं लेकिन आज की, आज बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आपके यहाँ के लोग जो यहाँ रहने के लिए आएंगे, यहाँ अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आइए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, धन्यवाद। और मीडिया को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी भीड़ के अंदर हमारे मीडिया वाले आए हमारे पास और नितेश जी का पूछा, हम तो उनको एमपी वाले पूरे उनको धन्यवाद देते हैं और आपको ज्यादा देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, बिहार के लोगों के लिए क्या कहना? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिहार के लोग भी हमारे बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा खतरा नहीं दिखा यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। गार्ड साहब बहुत बढ़िया आदमी, हमारे यहाँ पर इतनी सुरक्षा दी उन्होंने। लगातार दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो है वो व्यवस्था में कमी नहीं है। क्या बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत जी जी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, सभी से बातचीत करें। कहाँ से आए हैं सर आप? एमपी खंडवा से। साथ में ही सर। साथ में ही हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो देखिए सभी लोग जो हैं वो जिला प्रशासन सहित बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कर रहे हैं हम और सभी से बातचीत करें। कहाँ से आए हैं सर आप बताइए? कहाँ से? यूपी बताइए। अच्छा, पहली बार आए हैं क्या? जी हाँ। टेंट सिटी में रह रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, कैसा लग रहा है? व्यवस्था कैसा है? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को? यहाँ के प्रशासन के मुख्यमंत्री की अच्छी व्यवस्था करी उन लोगों ने। अच्छी व्यवस्था है जी हाँ। कहाँ से आई हैं? क्या बाबू, देखिए हमारे साथ एक क्यूट सी परी मौजूद है। व्हाट्स योर नेम? मनोज्ञा। अच्छा, क्या कर रही हो यहाँ पे? मस्ती। मस्ती कर रही हो? ये टेंट सिटी इतना मतलब करोड़ों रुपए खर्च किए गए आपके मस्ती के लिए? यस यस। अच्छा, ये बताओ बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके मस्ती के लिए टेंट सिटी बनवाया है, क्या कहना चाहोगी उनको? थैंक यू। थैंक यू कहना चाहोगी? Yes. कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। पहले बिहार आए हो कभी? नो No. तो बिहार में ही आप रह जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं रहोगी, मम्मी पापा के साथ रहना है ना? Yes. यहाँ का व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अभी कितना दिन मस्ती करना है? बस एक दिन जाने, बस आज मुझे मस्ती करनी, उसके बाद आज मुझे घर जाना है। आज ही घर चली जाओगी? Yes. तो आपके लिए सरकार इतना अच्छा व्यवस्था कि आपको रुकना चाहिए 10 दिन कम से कम? अरे नहीं, उसके बाद में एग्जाम भी है, फाइनल एग्जाम है। Yes. किस क्लास में पढ़ती हो? UKG डी। UKG में हो, क्या क्या पढ़ती हो? ABCD 1 2 3 और पोएम्स।
पोएम्स पढ़ती हो? यस। पोएम्स सुना दो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टर्निंग लाइट्स नो पापा, ओपन योर माउथ। हा हा हा, क्या बात है, ताली बजाई छोटी सी बच्ची के लिए भाई। आप तो एकदम पास कर जाओगी, एकदम टॉप करोगी स्कूल में, है ना? चलिए एडवांस में आपको जो है बेस्ट ऑफ लक, आपकी बेटी है। यस, मेरी काफी चंचल है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं। कैसा लग रहा है व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। साफ सफाई कैसा है? अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है। अच्छा ये टेंट सिटी के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? ये हम लोग आए थे, फिर यहाँ पर हम लोग जब स्टेशन से उतरे थे तो फिर वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, तो हम लोगों से कैंप से इन्फॉर्मेशन मिला था, तभी हम लोग इधर आए थे। यहाँ टेंट सिटी की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? थैंक यू बोलूंगी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और काफी अच्छे यहाँ पे सफाई वगैरह अच्छा दे रखा है, अच्छा है। जिला प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बोलूंगी, अच्छा है। अच्छा यहाँ सुरक्षा का कैसी व्यवस्था है? गया के एसएसपी को क्या कहेंगे? अच्छा है, थैंक यू है उनके लिए भाई, सारी फैसिलिटी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। कौन है ये? ये मेरी मम्मा है। लेकिन मुझे तो बताइए, आपकी मम्मा नहीं है? नहीं, मेरी मम्मा है। ये आपकी मम्मा है? यस। नहीं, आपकी मम्मा नहीं है? नहीं, मेरी मम्मा। सच में? झूठ नहीं बोल रही हो आप? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मम्मा बोल रही है कि ये मुझे कहीं मिली थी, इसको उठा के लाया हूं। ना भैया, मेरी बेटी है। चलिए, नाउ आई एम किडिंग, डोंट बी सीरियस। यहाँ पे चलिए, व्यवस्था काफी अच्छी। कहाँ से आए हैं आंटी जी आप? हम रायसेन से आए। कैसा लग रहा है व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी करी मुख्यमंत्री ने। राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए तो अभी हम कंटिन्यू यहाँ पर 2-3 घंटे रुकेंगे। यहाँ पर जितने तीर्थयात्री आएंगे सभी से बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ गया के जिलाधिकारी खुद जो है वो तीर्थयात्रियों से आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। बाकी बिहार के कृषि मंत्री कल खुद जो है वो इस टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे थे। अभी ज़्यादातर आप ये तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कम ही लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, चूँकि सभी जो है सुबह अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पूजा अर्चना के लिए जो है वो निकल जाते हैं, और लगभग 7 बजते जो है यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। 7 बजे के बाद 8 से 9 बजते जो है ये पूरा टेंट सिटी आपको जो है भरा मिलेगा। हमारे साथ कुछ और भी परिवार मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार का तस्वीर जो है बदल रहा है, 90 का दशक और अभी के दशक की अगर तुलना करेंगे तो बिहार का तस्वीर जो है वो बदल रहा है। हर कोई बिहार के लोगों की तारीफ कर रहे हैं, बिहार की तारीफ कर रहे हैं, और ये श्रेय जो है कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था है, लोगों के रहने के लिए इतनी अच्छी खासी इंतजाम यहाँ पर जो है वो की गई है। तो ये तस्वीर बस देखने लायक है और देखना बनता है। और इसके साथ ही यहाँ पर तीर्थयात्रियों की रहने के लिए जो है टेंट सिटी के साथ साथ रामलीला का भी आयोजन करवाया जाता है। यहाँ भी कुछ हमारे साथ फैमिली मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। कहाँ से सर आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। स्टेट क्या है सर? पंजाब जी। पंजाब से आए हैं। कैसा लग रहा है सर व्यवस्था यहाँ? नहीं, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ आपकी कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर टेंट सिटी का आयोजन किया गया है? सर हम नाइट स्टे के लिए मतलब होटल वगैरह का देख रहे थे, गाड़ियों में जा रहे थे, कहीं भी बंदोबस्त नहीं हुआ, और मतलब काफ़ी रेंज में हाई क्वालिटी में रिजॉर्ट वगैरह है जो आम बंदा मैनेज नहीं कर सकता। मतलब आर्थिक तौर से भी जो है वो काफ़ी बचत हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अच्छा पैसा जो है वो रहने के लिए देना पड़ता? हाँ जी बिल्कुल जी, रहने के लिए खाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मतलब अच्छा पैसा बचा आप लोग? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और एक नॉर्मल फैमिली के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि लोग होटल लेकर रह पाते? नहीं सर, मिडिल क्लास बंदे के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, हम अदर स्टेट से आ रहे हैं, हमारे लिए ऐसी फैसिलिटी की है उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार को लेकर सर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत जैसे ही हमें आने का मौका मिला, आज गया में हम पहली बार आए हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार है कि मिडिल क्लास के बंदों के लिए ऐसी व्यवस्था की है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। गया के जिलाधिकारी और SSP जो 24 घंटे आप लोगों की सुरक्षा में तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं उनका धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपनी फैमिली की तरफ से, और भी आ रहे हैं स्टेट की तरफ से, जो भी बंदे आ रहे हैं उनकी तरफ से। सुरक्षा की कैसी व्यवस्था लग रही है? सुरक्षा की बहुत बहुत बढ़िया सर। कितना मार्क्स देना चाहोगे 100 में से? सर 90 भाभी रखो। 90+। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? हिमाचल से, साथ में उनके। साथ में आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरिता। कैसा व्यवस्था लग रहा है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को, बिहार के मुख्यमंत्री को? कहना यही है कि धन्यवाद उनका जो हमारे लिए इतना किया है, अदर स्टेट से आए ना, नाइट स्टे करनी थी, कहाँ जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अभी पर्यटन मंत्री जो है वो तेजस्वी यादव है, उनका कार्य कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था अच्छी है, पानी वगैरह खाना वगैरह ठीक है, सब मुफ्त में मिल रहा है आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए जहाँ पर जो है वो हजारों रुपए देने पड़ जाते
वहाँ पर लोगों को जो है मुफ्त में रहने की व्यवस्था की गई है, इसलिए लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री को, जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और गया के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आशीष भारती लगातार खुद जो है वो चप्पे चप्पे पर नज़र रख रहे हैं, हर ओर जाकर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, भीड़ का जायजा ले रहे हैं, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पर, बिहार पुलिस के साथ साथ जवानों के साथ साथ जो है वो NCC कैडेट्स के लोगों को भी लगाया गया है, जो बेहतर तरीके से जो है सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। चलिए हम और भी टेंट सिटी के अंदर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और व्यवस्था देखेंगे, और रात तक की जो है पूरी स्टोरी हम दिखाएंगे आपको। वो भी तस्वीर हम दिखाते हैं कि यहाँ पर इंटरटेन के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। यात्री यहाँ एक बार में 2500 रुकते हैं, तो रात में यहाँ इंटरटेन के लिए रामलीला का आयोजन किया गया है, वहाँ का तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।